ते हुन खबरां विस्तार नाल भारत दे साबका राष्ट्रपति ते मिसाइल मैन वजो जाने जांदे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अज साडे दरमियान नहीं रहे ने। दिल दा दौरा पैण नाल साबका राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दा बीती शाम देहांत हो गया। उन्हां कल शिलांग दे हस्पताल च आखरी साह लई। साबका राष्ट्रपति नूं श्रद्धांजलि वजो पेश है साडी इक खास रिपोर्ट। दिल का दौरा पैण नाल साबका राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सोमवार शाम देहांत हो गया। 83 साल के डॉक्टर कलाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग विच लेक्चर दे रहे सी। उसी दौरान उन्होंने दिल का दौरा पै गया अते ओ बेहोश हो गए। उन्होंने शिलोंग के बेथनी हस्पताल विच भर्ती करवाया गया, पर शाम 7:45 ते हस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर जॉन ने उन्होंने देहांत की पुष्टि कर दी। डॉक्टर जॉन ने दसिया कि 7 बजे डॉक्टर अब्दुल कलाम नूं हस्पताल दे आईसीयू विच भर्ती करवाया गया सी। कलाम दे देहांत ते 7 दिन दे राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। डॉक्टर कलाम दे मृतक शरीर नूं लैण लई आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते उन्हां नाल कई मंत्री एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट तो उन्हां दा मृतक शरीर राजा जी मार्ग ते स्थित उन्हां दे सरकारी आवास ते लोकां दे दर्शन लई रख्या जाएगा। इस तों बाद उन्हां दे मृतक शरीर नूं उन्हां दे गृह नगर रामेश्वर ले जाया जाएगा, जिथे कल नूं उन्हां दा अंतिम संस्कार किया जाएगा। शिलोंग विच जिवे ही लोकां नूं उन्हां दे देहांत दे बारे विच पता चलिया तां हजारां ही लोग अपने चहेते विज्ञानिक अते नेता नूं श्रद्धांजलि देण बेथनी हस्पताल दे बाहर जमा होण लगे। हस्पताल दे बाहर कलाम अमर रहे दे नारे गूंजन लगे। गृह मंत्रालय दे अनुसार कलाम दे सम्मान विच 7 जुलाई तो 2 अगस्त तक राष्ट्रीय सोग मनाया जाएगा। इना 7 दिनां दे समय दौरान देश भर विच सारे भवनां ते राष्ट्रीय झंडा अद्धा झुकिया रहेगा। कलाम दे देहांत करके 2 दिनां लई लोक सभा अते इस दे नाल ही राज सभा कल तक लई मुलतवी कर दिती गई है। जीवन दे विच इन्नियां मुश्किलां आउण दे बावजूद भी डॉक्टर कलाम किस तरह राष्ट्रपति दे अहुदे तक पहुंचे, ए गल साडे सारयां दे लई प्रेरणा लायक है। चाहे ही अज अब्दुल कलाम इस दुनिया ते नहीं रहे, पर जदों तक इस संसार रहेगा डॉक्टर कलाम उदों तक ही अमर रहणगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चढ़दी कला, टाइम टीवी। पंजाब दे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने गुरदासपुर जिले दे दीनानगर विखे वापरी घटना दे मद्देनजर पाकिस्तान दे हाई कमिश्नर अब्दुल बाशिर नाल अज यानी 29 जुलाई नूं होण वाली मीटिंग रद्द कर दित्ती है। इस दा प्रगटावा करदे होए मुख्यमंत्री दे कौमी मामलिया ते मीडिया बारे सलाहकार हरचरण सिंह बैंस ने कहा कि पाकिस्तान दे हाई कमिश्नर ने मुख्यमंत्री नूं शिष्टाचार मिलनी करन लई बेनती कीती सी। गौरतलब है कि पाकिस्तान दे हाई कमिश्नर दा 29 जुलाई तो 1 अगस्त तक चंडीगढ़ दे दौरे दा प्रोग्राम निर्धारित है, जिस मुताबिक अज मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान हाई कमिश्नर अब्दुल बाशिर नाल राजनीतिक आर्थिक अते व्यापारिक मामलिया बारे मीटिंग करनी सी। दोनों देशों दरमियान संबंधा नूं होर सुखाले बनाउण वाल ए मीटिंग महत्वपूर्ण मनी जा रही सी, पर कल पंजाब दे दीनानगर च होए अतवादी हमले तो बाद मुख्यमंत्री वल्लों ए मीटिंग रद्द कर दित्ती गई है। छब्बी ग्यारह दे अतवादी हमले तो बाद देश विच एक वड्डा अतवादी हमला पंजाब दे जिला गुरदासपुर दे पिंड दीनानगर दी पुलिस चौकी ते होया, जिथे सुरक्षा बलां ते अतवादियां विचकार लगातार 11 घंटे चले मुकाबले उपरंत अतवादियां नूं मार मुकाउण च सफलता हासिल कीती गई। आओ जानदे हां कि कुछ वापरिया गुरदासपुर दे दीनानगर च, जिथे सवेर तो दहशत दा माहौल बनिया होया सी। जिला गुरदासपुर दे दीनानगर पुलिस थाने ते हुए अतवादी हमले ने पूरे देश नूं हिला के रख दिता है। पाकिस्तान तरफों आए अतवादियां ने फौजी वर्दी दा लाभ उठा के पुलिस थाने नूं निशाना बनाया। दरअसल 3 तो 4 दे करीब अतवादी सरहद राही भारत विच दाखल होए ते पाकिस्तानी बॉर्डर तो महज 15 किलोमीटर दूर इस हमले नूं अंजाम दिता। अतवादियां वल्लों थाने नूं कब्जे विच लैण तो पहला एक मारुति कार नूं हाईजैक कीता गया। इस दौरान कार सवार नूं हलाक कर दिता गया। इस दौरान अतवादियां वल्लों जम्मू जाण वाली बस ते भी फायरिंग कीती गई। पर सब तो महत्वपूर्ण गल ए है कि अतवादियां ने सवेरे 5:30 बजे दे करीब दीनानगर दे पुलिस थाने ते कब्जा कर लिया, जिथे सुरक्षा बलां ने 11 घंटे चले मुकाबले तो बाद अतवादियां नूं ढेर करन च सफलता प्राप्त कीती। जानकारी मुताबिक इन अतवादियां ने पठानकोट जम्मू रेलवे ट्रैक ते भी 5 बम प्लांट कीते सन, पर सू मिलन ते इन्हां बंबां नूं नकार दिता गया।
फिलहाल रेलां दी आवाजाई कुछ समय ले रोक दी गई। दीनानगर थाने च हुई फायरिंग दौरान गुरदासपुर दे एसपीडी बलजीत सिंह समेत चार पुलिस अधिकारी शहीद हो गए ते कुछ पुलिस अधिकारी जख्मी हो गए जिन्हां नूं गंभीर हालत विच हस्पताल पहुंचाया गया। पंजाब पुलिस दे एक कांस्टेबल अशोक कुमार ने दसिया कि अतवादियां वल्लों अचनचेत हमला कीता गया ते अंधाधुंध फायरिंग की गई। उन्होंने कहा कि उस मौके पुलिस थाने विच 5 तों 7 पुलिस मुलाजम ड्यूटी ते तैनात सन। अतवादियों वालों पुलिस थाने ते कब्जा करने तो पहला आम लोगों नूं निशाना बना के फायरिंग की गई जिस विच कई लोग गंभीर जख्मी हो गए। इन्हां दा इलाज नजदीकी हस्पताल विच चल रहा है जिन्हां दा हाल चाल जानने लई पंजाब दे मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल हस्पताल पहुंचे। पंजाब दे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इस हमले नूं सुरक्षा एजेंसियां दी नाकामी करार देंदिया केंद्र से दोष मढ़े। देखो बॉर्डर तो आंदे लोग बॉर्डर नूं सील करना चाहिए उत्थे बंदे ना ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਲੇਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਫਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਮਿਸਾਲੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ 10-10 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਐਸਪੀਡੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਥੇ ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਹਿਤ 15 ਅਗਸਤ 2015 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂ ਮਹੀਨਾ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿਖੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਗੱਤਕਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
कैनेडा एको एक अजिहा देश है जिथे सिखी दा मान सम्मान करदे आ। कैनेडा विच रहिंदे सिखां नूं मान सम्मान बख्शदे आ। पांच ककारां नूं धारण करन दी आजादी दित्ती गई है। गुरु साहब जी, गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उस टाइम एक मीरी दी एक पीरी दी दो कृपाना पाइया सी। इस टाइम ते असी कुछ होर नगर कीर्तन भी निकलते हैं, पर असी मीरी पीरी नूं समर्पित नगर कीर्तन कढ़दे हां जी। जो संत ते सिपाही दी जो एक मिसाल जो एक प्रपाटी गुरु साहब ने शुरू कीती, उसनूं अपने बच्चियां तक अगली अपनी जनरेशन तक पहुँचाउण लई इह बहुत वड्डा एक उद्यम है जो तुहाडे। हाँ जी, सारे संगत रल के करती है जी। गुरुद्वारे की कमेटी भी सारे समूह सेवादार, कल का कम नहीं है। सारी संगत संगत ने बहुत बहुत बधाइया मेरी पीरी दस दियाँ। मैं कहा 10-15 साल तो नगर कीर्तन कढ़िया जाता मे बी लोंगर, तो उनका मेरे ख्याल मेन रीज़न ये हैगा भी एक तो दिहाड़ा हैगा, दूजा हैगा कि समर होन करके संगत इंजॉय कर दिया ने नगर कीर्तन करना, तो सारे पासे बाहर तुरना, क्योंकि विंटर के भी इतने ऐसे हालात नहीं होंगे भी असी गुरु नानक देव जी या गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव से नगर कीर्तन कर सकी। तो स्कूल का एको ही परपस हैगा कि बच्चों ये पता लगे भी असी सिख भी रह सकते हैं, तो डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं। सो बेसिकली साडे बच्चे सिख ही रह सकन, एक खालसा स्कूल का मेन परपस है। अकैडमिक एजुकेशन तो मिलती मिलती है सारे पास। जिस तरह सब तो पहला तो मुबारकबाद तुहानूं भी कि तुसीं इत्थे आ के इत्थों दा मैसेज जो है उत्थे लोगों तक पहुँचा रहे हैगे हो। सो सब तो वड्डी गल तो हैगी है कि सिखां ने बड़ा नाम किथे खटिया, तुसीं देख ही रहे हो ठाठा मारदा इकट्ठ। कंजरवेटिव पार्टी दी ये सरकार जो है ये पहली सरकार है जिसने कि पांच ककार दुनिया भर में कोई भी कैनेडियन एम्बेसी में तुसीं जाके पा के जा सकते हो। ये फर्स्ट टाइम द हिस्ट्री ऑफ कैनेडा होया है, एंड कोई होर कंट्री नहीं है कि जिहड़ी पांच ककारां नूं इस तरह की मानता देंदी है। उस तो अलावा साढ़े प्रधानमंत्री स्टीवन हार्पर जिहड़े ने उन्होंने भी हमेशा ही सिखां दी जिहड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है उसनूं कहा कि यह एक मिसाल है जिथे कुछ होर बाकी थावां उत्ते सानूं नहीं मिलदा। हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने जदों बाबा बुढ़ा जी नूं आख्या, बाबा जी हुण सेली ते टोपी दा समां नहीं, हुण मीरी ते पीरी दियां दो तलवारां पहनियां जाणगियां, तां कि जदों सारे हीले खत्म हो जाण फिर शमशीर दी मुठ ते हथ जाणा जायज़ हुंदा है। उस वेले सतगुरु जी ने मीरी ते पीरी दियां दो तलवारां पहन के भगती ते शक्ति नूं इकट्ठिया कीता। जिहड़ा सतगुरु ने संकल्प सानूं दित्ता सी भगती ते शक्ति नूं इकट्ठिया करन दा, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 1,17,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੋ ਚੈੱਕ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। एक करोड़ 17,00,000 रुपए चके देने, गलियां नालियां सीवरेज पानी किसी काम के उत्ते नहीं लाना चाहिए। यह पिंड की पंचायत की मर्जी है, पिंड के लोगों की मर्जी है की काम करना, साढ़े को खुला है क्योंकि जी पंचायत है इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये को अख्तियार होने चाहिए भी की काम करने ने कितने लाने ने किमें पिंड की देती। दीनानगर च होए अतवादी हमले के खिलाफ मुकेरिया विखे शिवसेना बाल ठाकरे के कारकुना वालों अतवाद का पुतला साड़िया गया। इस घटना नूं मंदभागा दसदिया शिवसेना के जिला सकत्तर बंटी जोगी की अगवाई विच कारकुना वालों विरोध प्रदर्शन करदिया अतवाद ते पाकिस्तान खिलाफ नारेबाजी की गई। फिलहाल इस बुलेटिन च इन्ना ही, अगले बुलेटिन च फिर हाजिर होवांगे कुछ होर खास खबरां दे नाल। तद तक लई दिओ इजाजत।